हाय शिल्पी, आज इससे क्या बना रहे हो? पुदीने से? यार आज मैं ना ड्राई रोस्ट कर रही हूँ माइक्रोवेव के अंदर। पुदीना बहुत ही अच्छे से ड्राई रोस्ट होता है। तो यहाँ मैंने पुदीना लिया था सबसे पहले, और उसके बाद मैंने पुदीने की ये पत्तियाँ निकाल दी थी। पत्तियाँ निकालने के बाद मैंने इसको माइक्रोवेव सेफ तवे पर रख लिया है। इसको ऐसे इस तरीके से फैला के रखना है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। वॉश करने के बाद हम इसको माइक्रोवेव में रखेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। मैंने इसको सिंपल तवे के ऊपर रख दिया है ड्राई रोस्ट करने के लिए। माइक्रो मोड पर टाइमिंग लगाएंगे 3 मिनट का और स्टार्ट कर देंगे। तीन मिनट बाद हम इस तवे को बाहर निकालेंगे और स्पून से हल्का सा स्टर कर देंगे इस तरीके से, जिससे कि जो नीचे वाला पुदीना है वो ऊपर की तरफ आ जाए और ये प्रॉपर इसकी ड्राई रोस्टिंग हो जाए। वापस से माइक्रो करेंगे 2 मिनट के लिए। देखिए पुदीना बहुत ही अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुका है। आपको इसकी आवाज़ भी आ रही होगी, ये देखिए। इस तरीके से आप इसको क्रश कर लेंगे ठंडा होने पर। इस तरीके से आप इसको क्रश करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने जो पुदीना लिया था उसको वॉश करके लिया था। आप उसे वॉश कर लेंगे, उसके बाद उसको सुखा लेंगे। सुखाने के बाद हम इसको माइक्रोवेव में रखेंगे। तो क्रश करके इसके बाद इसको छान लेंगे हम। तो आप इसको इस तरीके से छान लेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको छान लिया है। अब आप इसको 1 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। जैसे कभी कभी होता है कि बारिश का सीज़न होता है, धूप नहीं निकल रही होती और पुदीना हमें रोस्ट करना होता है, तो आप इस तरीके से ये हैक आप अपने माइक्रोवेव में कर सकते हैं। इस हैक को आप ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स मेरे चैनल पर शेयर कीजिए। बाय बाय।